एक्सपेंसेस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा वेल्थ या जो भी हम चाह रहे हैं, या फिर आती है और टिकती नहीं है मनी हमारे पास, एक्सपेंसेस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं. तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको फिक्स करें हम विद द हेल्प ऑफ वास्तु टिप्स. Hi everyone, this is Kitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Specs. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं? सबसे पहले बात करेंगे घर के टेम्पल की. तो वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो की जगह है विष्णु जी की, जो की जगह है ईशान कोण जिसे हम कहते हैं हिंदी में. तो ये जो डायरेक्शन है ये स्पेसिफिकली मंदिर के लिए हम अपॉइंट करते हैं. और अगर आपका अरेंजमेंट्स ऐसे हैं घर के कि आप मंदिर वहाँ नहीं रख सकते, तो ट्राई करें इस जगह को जितना साफ रख सकें, जितना ज़्यादा लाइट रख सकें. वहाँ पे आप कोई भी हैवी फर्नीचर्स या कबर्ड्स नहीं रखें. वहाँ से जितना एनर्जी फ्लो हो सके आपके घर में आए वो बहुत अच्छा रहेगा. तो ट्राई करें कि या तो आप नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर प्लेस करें, और नहीं हो पाता है तो उस डायरेक्शन को खाली, उस कॉर्नर को खाली छोड़ दें और बहुत क्लीन रखें ऑल द टाइम. तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में फ्लो होंगे. सो वन थिंग इज दिस. एंड उसके बाद में जब भी आप जहाँ पे भी आप मंदिर आपका प्लेस्ड है, ट्राई करें कि उस टाइम पूजा करते टाइम आपकी डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग में होनी चाहिए या ईस्ट में होनी चाहिए. सेकेंड थिंग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की बात है. जो नॉर्थ वॉल है या नॉर्थ साइड है आपके घर की, आप ट्राई करें कि उसको पूरा आपको लाइट रखना है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वेल्थ की डायरेक्शन है. और नॉर्थ जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है और वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर का जो फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है वो वहाँ से, वेल्थ का जो फ्लो है वहाँ से आता है. तो वहाँ हमारे को बिल्कुल भी कोई हैवी फर्नीचर्स, कबर्ड्स, अनयूज्ड स्टफ कुछ नहीं रखना है. तो वन थिंग इज दिस. एंड उसके बाद बात करेंगे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम किस डायरेक्शन में बैठ के काम करें, तो उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है. और वेल्थ की क्योंकि डायरेक्शन है, तो यहाँ से आप अट्रैक्ट करेंगे. अपना डेस्क रखिए नॉर्थ वॉल के साथ में, और फेसिंग भी आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए. आप अपने डेस्क पे वाटर एलिमेंट की जगह कोई छोटा सा बैम्बू प्लांट रख सकते हैं, जो कि आप वाटर में रखेंगे, वाटर बोल में, विच इज़ ऑल्सो गुड. आप उसमें एक छोटा सा फेंग शुई का पॉइंट रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. एंड जितना हो सके वो नॉर्थ साइड में आप वाटर से रिलेटेड सीनरीज या वाटर एलिमेंट या ब्लू कलर का थीम कर दीजिए. वॉल ब्लू करा सकते हैं, लाइट ब्लू, कुछ भी यू नो रिलेटेड टू वाटर और ब्लू आप यूज कर सकते हैं. तो वो आपको एक वेल्थ अट्रैक्शन का एक पॉइंट रहता है. उसके बाद हम बात करेंगे कि जितने भी कॉर्नर्स हैं घर के उनको आप बिल्कुल क्लीन एंड डीक्लटर्ड रखेंगे. जितना भी क्लटर हमारे ड्रॉर्स, कबर्ड्स या किचन या कहीं पे भी हमें लगता है, तो आप उनको प्लीज़ क्लीन रखें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है वेल्थ ब्लॉकेज का या पॉजिटिविटी ब्लॉकेज का. तो वेल्थ के साथ हैप्पीनेस भी आती है, और हैप्पीनेस तभी आती है जब बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक होता है. तो पीरियोडिकली आप इस चीज़ को करें, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा. उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो चेस्ट या जो हम कहेंगे तिजोरी, या आपके हम कहेंगे कि जहाँ पे आप कैश रखते हैं या आपकी मनी, ज्वेल्स, वैल्यूएबल्स रखते हैं, वो आपको कहाँ पे रखना है, तो वो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, क्योंकि साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी. यहाँ पे आपके जो भी वैल्यूएबल्स हैं वो सेफ एंड स्टेबल रहते हैं, और जब वो स्टेबल रहेंगे तभी वो मल्टीप्लाई भी होंगे. ओके, एंड जो भी कबर्ड आपकी होगी वो उस कबर्ड का फेसिंग नॉर्थ की साइड होना चाहिए. तो आप ये भी ध्यान रखेंगे. एंड इसके बाद में हम बात करेंगे कि वॉलेट, जैसे वॉलेट में आप पैसे रखते हैं, तो उसके साथ में फेंग शुई के 3 कॉइन्स आते हैं कॉपर के, जिसको हम 3 रेड कलर के रिबन से टाइड होते हैं, वो आप अपने वॉलेट में रखें, तो वो एक गुड लक का पॉइंट होता है, गुड लक का जिसे मैं कहूँगी चार्म होता है. और इसके साथ में अगर आप फेंग शुई के कॉइन्स कहीं से नहीं मिलते हैं आपको, या आप नहीं इसको रखना चाहते या बिलीव नहीं करते हैं, तो इसकी जगह आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं. जैसे हम पूजा करते हैं दिवाली पे चांदी के सिक्के की, तो आप वो एक छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का आप अपने वॉलेट में प्लेस कर सकते हैं. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप ये बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा वेल्थ ब्लॉकेज होती है, मनी ब्लॉकेज होती है. इट्स
द पॉइंट इज कि आप अपने पेरेंट्स की या अपने एंसेस्टर्स की या पेरेंट्स में मैं तभी बोल रही हूँ जब एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स या जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनकी या फिर गॉड की, किसी भी गॉड्स की पिक्चर जो है वो हम वॉलेट में नहीं रखेंगे. तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है डेट कर्ज दिलाने का या फिर नेगेटिविटी डिफिकल्टीज लाने का आपकी लाइफ में. तो आप ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ना करें, अपने एंसेस्टर्स जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनकी पिक्चर्स या गॉड की पिक्चर्स नहीं रखेंगे. ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें और जिससे कि वेल्थ अट्रैक्ट कर सकें. तो मेन डोर जहाँ से हम कहेंगे कि लक्ष्मी जी जो है वो एंटर करती हैं, वैसे तो लक्ष्मी जी सभी जगह से एंटर करती हैं, आप वर्क कीजिए वो आपके पास आएंगे फॉर श्योर, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. मेन डोर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऑल द टाइम आप वेलकम कर रहे हैं जैसे लक्ष्मी जी का, तो वो ब्यूटिफाई करने के लिए आपको उसको डेकोरेट करके रखना चाहिए. बाहर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं आप, उसको क्लीन रखें, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कभी भी वेल पेंटेड ब्यूटिफुल डोर होना चाहिए. एंड उसके साथ में आप ये कर सकते हैं कि उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, ओम का चिन्ह बना सकते हैं या फिर श्री लिख सकते हैं, लेकिन लिखना वो रॉलेटिक का सही है और ट्राई करें कि वो खुद से लिखें. अब वो बाहर से स्टिकर्स मिलते हैं मार्केट से, प्लीज डोंट कैरी दैट एंड डोंट स्टिक दोज स्टिकर्स ऑन इट, क्योंकि वो जो आप अपने आप से जिन भाव से जिन फीलिंग्स के साथ आप जब उसको बनाएंगे तो वो आप अपनी एनर्जीज जो उसमें डालेंगे वो मैटर करती है. तो इसलिए आप ट्राई करें फ्राइडे को ये लिखें तो बहुत अच्छा होगा. और जब भी आपको लगे कि ये खराब हो रहा है या मिट रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, उसको मिटाइए और दोबारा से उसको लिख लीजिए. इससे भी बहुत पॉजिटिविटी और वेल्थ अट्रैक्ट होती है. और ट्राई करें कि जो मेन डोर है उसके बाहर इवनिंग में प्लीज़ लाइट्स ऑन रखें. ऐसा कभी मत सोचिए कि जब दिवाली होगी तो हम ये सब काम करेंगे, नहीं. जब आप ये देखते हैं कि भगवान सभी दिन होते हैं तो लक्ष्मी जी रोज़ आती हैं, इसलिए आपको वेट नहीं करना है दिवाली का, आपको डेली ही ये फॉलो करना है. आपकी बालकनीज हैं या आपके कॉरिडोर्स हैं उनको लाइटन कीजिए इवनिंग के टाइम, डोंट कीप देम इन डार्क. ये अच्छी एक मैं कहूँगी कि अप्रोच नहीं है, तो आप ये फॉलो कीजिए. इसके साथ में एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज कि आपके घर में ब्लेसिंग्स के लिए, प्रॉस्पैरिटी के लिए, और एक्चुअली टू पॉइंट्स हैं. एक तो आप प्लांट्स, ग्रीन कलर के प्लांट्स जरूर लगाएं और उनको वेल प्लांट वेल वाटर करें, क्योंकि अगर वो डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, सूख रहे हैं तो प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए. वो बहुत बड़ा नेगेटिविटी का और वेल्थ नहीं अट्रैक्ट करने का फैक्टर है क्योंकि ये ब्लॉकेज देता है. ग्रीन इज द कलर ऑफ प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस. तो नाइस ग्रीन प्लांट्स लगाएं और घर में ट्राई करें कि कैक्टस और ऐसे प्लांट्स नहीं लगाएं तो अच्छा है. और उसके बाद में आप अपने एंसेस्टर्स की फोटोज जरूर अपने घर में लगाएं, जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुली गोल्डन कलर के फ्रेम में उनकी फोटोज बनवा के और उनके गार्लेंड्स लगा के आप हैंग कीजिए वॉल्स पे. और वॉल्स साउथ वॉल्स होने चाहिए घर की. ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि किसी और वॉल पे या किसी घर के टेम्पल में आप एंसेस्टर्स की फोटो को नहीं प्लेस करेंगे, आप उनको साउथ वॉल पे ही जगह देंगे. और ये इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए कि जब कोई मेन डोर से एंटर करे घर में उसको वो फोटोज नहीं लेनी चाहिए. और 6 feet से हाई आप उसको हाइट पे लगाएंगे ताकि आप उनको ऊपर देख कर उनकी ब्लेसिंग्स दे सकें. एंड एवरी डे यू टेक द ब्लेसिंग्स, पूजा वाले दिनों में भी और वैसे भी, आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं. ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए और अप्लाई कीजिए. अगर नहीं किया हुआ है तो यू विल सी द डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस दिखेगा आप. तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू वास्तु. आप इनको अप्लाई कीजिए और देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं अच्छी होती हुई, बदलती हुई, सुधरती हुई. And please mention in the comments about your experience. I'll be more than happy to read that. Till then, goodbye. Take care.